मानता तो ना ये उलमाए जीशान करता और मुझ जैसे दीवाने लोग जो अपनी दीवानगी के अंदर कह दें और जो बात ज्यादा महबूब के लिए काफी हो वही कहता कहता और हजरत हकीकत भी यही है कितना बेवजन है परवाना कितना बेवजन है परवाना लेकिन चर्चे कहां कहां तक फैले गए उसकी। दो कोरों के दरमियान आ जाए तो गुम हो जाए वजन करो तो पता ही नहीं पकड़ के थोड़ा सा दबाओ इंजन पिंजर खत्म हो गया लेकिन चर्चे कहां से कहां तक है क्यों दो उसमें खासियत क्या क्यों मशहूर है क्यों बात करवाने की चलती है क्यों हम साल में लाया जाता है क्यों जरबर मिसल है क्यों कहानियों की जीनत है क्यों आशिकों के पुस्तकों का रंग इसकी वजह क्या है वजह यह है अब सुनो थोड़ी सी बात बाद में घूमते हुए एक इंसान ने फूल उठाया सूंघने लगा आंसू बह गए रास्ता नहीं हो गया किसी ने कहा शायद जिसने फूल जिंदगी भी नहीं देखा उसने कहा दीवाने हैं आप हाँ दीवाना हूं लेकिन ये फूल सूंघ के तुम पे रक्तारी हो गया हाँ लेकिन उसको जवाब नहीं देता वो फूल को देखता है तो उस फूल को मुखातिब करता है ऐ गुल तू ना समझना कि तेरी पत्तियों में गुम हो गया तू ना समझना तू छोटा सा वजूद है तूने मुझे हरकतें दी है नहीं नहीं ऐ गुल बतो खुद संदम के तू भूए कसेदारी तुझे मैंने सूंगा ना तो मुझे अपने महबूब की सुल्फों की खुशबू आ परवाने तू है कुछ नहीं और सब कुछ है तू जर्रा नाचीज है हर जगह मशहूर है क्यों इसलिए कि तूने अपना वजूद अपने महबूब के लिए ऐसा वक्त किया कि तेरा जब महबूब गैर पानी है तो उस महबूब के जलबू में मरने वाला भी तो गैर पानी होता है। अच्छा इसको मरने में लज्जत क्या है मरता क्यों है जलता क्यों है और तड़पता भी नहीं कितना खामोश उस चिराग से जाके निपटता है चीख नहीं उफ नहीं आवाज नहीं तड़प नहीं फर्क नहीं कुछ नहीं खामोश गया खामोश रह गया शायद जलवाए महबूब में तड़पना कहीं बेद भी ना होती हो और खामोश रहना ही अदब हो तो फिर तुम जलते क्यों हो जलता इसलिए हूं कि जब मैं और मेरा महबूब आमने सामने होते हैं ना तो मेरी गैरत और हकीकत ये तसव्वुर नहीं करती ये यकीन नहीं करती कि हम दोनों का नाम रहे जब आमने सामने रहे तो वो एक ही रहे मेरा नाम क्यों आए हे मुहिब्बी याद रखो मुरीदीन शेख में गुम हो जाओ और इसी को तसव्वुर शेख कहते हैं और पहले मुश्किल होती है लेकिन जब तसव्वुर शेख कामिल हो जाए तो निगाहें बंद करने में थोड़ी देर लगती है और वह जो रूह से ख्याल से ज्यादा तेज उनका नूरे विलायत है वो सामने आ जाती है। मशक जरूरी है खैर हज़रात गिरामी इन्हीं अकीदतों की बुनियाद पर इंसान फैजियाब होता है और उसमें शरीक होना ऐसे है जैसे एक बल्ब के बजाय हजारों बल्ब रोशन हो तो किसी सू किसी सिंह किसी तरफ अंधेरे का छायबा नहीं रहता तो जो लोग उसमें शरीक होते हैं उनका दिल उनका दिमाग उनकी रूहें साहिब उर्स और उस सारे सिलसिले की अरवा के फैजान से मुनव्वर हो जाता है रोशन हो जाता है और जो पहले ही बहुत मैला हो कम अज कम कुछ तो साफ हो जाता है और जो साफ हो वो रोशनी लेके जाता है जो साफ नहीं है ये उर्स और इनकी महफिलें ये सूफिया और इनकी मजलिसें ये अहले दिल और इनके मराकबे इनकी मजलिसें और इनकी गुफ्तगू हजरात पहले जमाने में ये था ना कपड़े लेके साबुन में डालो धोबी को दो जिस दो आशिक वो करता था वो ही कमाल की बात थी क्योंकि वो दाग नहीं छोड़ता और आजकल आसानी हो गई मेरे बेचारे इकट्ठे और फिर कमाल ये है कि आपको निचोड़ने की सहमत भी नहीं और कमाल ये है कि आपको खुश करने की भी सहमत नहीं जब मशीनें खुश करें मशीनें ही धोएं क्यों
एक लाडले और नाजुक हो गए सारे सारे लाडले नाजुक, और अगर खुद नहीं कपड़े धो सकते तो किसी रूहानी मशीन नाल जारी रहो। सुभान अल्लाह। जो तो थोड़ा दिल तो वे, थोड़ा रूहा तो वे, थोड़ा अखा तो वे, थोड़ी जबान तो वे, थोड़ा बातन तो वे, थोड़ा तन तो वे, थोड़ा मन तो वे, थोड़ी दुनिया तो हो जाए, थोड़ी कब्र हो साफ। सुभान अल्लाह। हजरत यही वो लोग हैं जिनकी मजलिस बूढ़ा हुआ सबक याद करवाती थी। सुभान अल्लाह। मैंने बहुत कुछ कह दिया है और मैं बात इसलिए लंबी कर रहा था कि मैं हजरत क़िबला पीर साहब तशरीफ लाएं तो उन्हें एक नज़र देख के फिर यहाँ से जाऊँ, और मैं बहुत खुशी से आया, बहुत मुतमइन हूँ और बहुत खुश होकर जा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी यारी आज भी पहले भी थी आज भी है इंशाल्लाह। मैं कह देना अल्लाह के लाडले बात तो मेरी यही है। ये इंशाल्लाह हम दोनों असा दोनों देनी है, कल्याण में भी नहीं कहनी है। हजरात गिरामी ये बड़ा गहरा है, बहुत बड़ा गहरा है, बहुत बड़ा गहरा है। खुदा सलामत रखे और बड़ाई और ज्यादा करे। आमीन। आज की इतनी लंबी सब उलमा की माशाल्लाह सारे जीदावर सोखन बस अहले इल्म और दरियाए मोहब्बत और इल्म की शनावत ये